नमस्कार पंचारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। रांची के मोराबादी मैदान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 10,000 से ज्यादा बेरोजगार युवाओं के बीच नियुक्ति पत्र बांटा है। रांची के मोराबादी मैदान में श्रम मंत्रालय की ओर से रोजगार मेला का आयोजन किया गया। शनिवार को मुख्यमंत्री की तरफ से निजी सेक्टरों में नियुक्ति का पत्र दिया गया। किस प्राइवेट सेक्टरों में स्थानीय युवाओं को नौकरी दी गई है, वहीं कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रॉनिक एंड हार्डवेयर, टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी, टेलीकॉम, रिटेल, सेल्स एसोसिएट, माइनिंग, प्लानिंग, हेल्थ केयर सहित 11 सेक्टर में नियुक्ति पत्र बांटा गया है। बता दें कि बोकारो जिला से 345, चतरा से 145, देवघर से 28, धनबाद से 303, दुमका से 67, पूर्वी सिंहभूम से 764, गढ़वा से 136 सहित कई जिलों में सैकड़ों अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया गया। इस दौरान मंत्री सत्यानंद भोक्ता और आलमगीर आलम भी मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि कई विभागों के अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया है। राज्य के हुनरमंद युवाओं को नौकरी मिली है। आज के बाद कई और अवसर युवाओं को मिलेंगे। निजी क्षेत्र में अच्छे पदों पर नियुक्तियां मिली, सरकारी विभागों में भी युवाओं को नौकरी मिलेगी। वहीं सीएम ने कहा कि कोरोना के समय राज्य के मजदूरों को वापस लाया गया है। सीमित संसाधन के बावजूद कोरोना काल में राज्य के लोगों को सुरक्षित रखा गया है। इस दौरान बाहर से मजदूरों को वापस लाकर स्थानीय नौकरी दी गई है। राज्य में हर तबके के लोगों के लिए पेंशन योजना लाई गई है। राज्य में 32 साल में पहली बार कृषि पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से हम अपने इस राज्य के होनहार, हुनरमंद नौजवानों को, युवक युवतियों को इस राज्य में कार्यरत और देश के विभिन्न राज्यों में कार्यरत निजी क्षेत्र में सरकार के प्रयास से हम लोगों ने रोजगार उपलब्ध कराया है। आज इसी के कड़ी में इस राज्य के लिए पेंशन को हम लोगों ने सर्वजन पेंशन यूनिवर्सल कर दिया। हर बुजुर्ग को पेंशन, हर विधवा को पेंशन, हर विकलांग को पेंशन देने का कानून बनाया। हम लोगों के राज में बिजली का जाल बिछ रहा है लेकिन टूटा फूटा बिजली मिलता है। बहुत अच्छे तरीके से 24 घंटा बहुत बिजली नहीं मिलती, लेकिन हम लोगों ने यह भी निर्णय लिया कि 100 यूनिट तक जो उपयोग करेगा उसको फ्री बिजली दिया जाएगा। राज्य में विकास के दिशा में, रोजगार के दिशा में जो संसाधन राज्य में है उसे जितना हम काम अधिक से अधिक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि किसी विभाग में, शिक्षा विभाग में हाई स्कूल में एक भी टीचर नहीं था, लेकिन आज पूरे झारखंड में स्थानीय लोगों को नियुक्ति हुई है, प्राप्त शिक्षक है। ये सरकार में कई महत्वपूर्ण काम किया अभी तक, जेपीएससी की बहाली, मास्टर की बहाली, डॉक्टर की बहाली, पूरे राज्य में होमगार्ड के बहाले, नर्स के बहाले, जितना रिक्त पद है बेहतर तरीके से राज्य सरकार के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री कलकों द्वारा किया जा रहा है। आज लगभग 10,000 युवा युवतियों को नियुक्ति पत्र मिलेगा। आज ऐतिहासिक धरती मोराबादी सभा की बात है। हम ये बात आपको बताना चाहते हैं कि युवाओं की उत्थान, बेरोजगारों का रोजगार, कर्महीन का संस्था का जुगाड़, ये एक पहल जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री द्वारा लगातार हेमंत जी के द्वारा किया जा रहा है और उसका ही एक उपलब्धि के रूप में आज मोराबादी मैदान में करीब करीब 10,000-11,000 लोगों का प्राइवेट सेक्टर में नियुक्ति पत्र दिया जाता है। ये ऐतिहासिक क्षण है जो कभी नहीं भुलाया जा सकता है।